मैं इसीलिए कहती हूँ खुश होके सारे काम कीजिए, रिजल्ट्स तो आने ही आने हैं, लेकिन जब आप इसे कर रहे हैं उस प्रोसेस में खुश रहिए। ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। जी हाँ, साथ चलते चलते हम आ चुके हैं डे 5 पर। डे 5 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टू ऑल द न्यू कॉमर्स ओवर हियर, कन्फ्यूज ना हो, मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपने चैनल पर फिलहाल एक सीरीज शेयर कर रही हूँ जहाँ पर मैंने एक चैलेंज लिया था किसी के बालों पर जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज थे। जी हाँ, डे 5 तक आते आते उनके बाल डैमेज थे, हैं बिल्कुल भी नहीं, काफ़ी रैविशिंग हो चुके हैं उनके बाल, यूजिंग जस्ट नेचुरल रेमेडीज़। मैंने कुछ कुछ नेचुरल रेमेडीज उनके बालों पर ट्राई की हैं एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। तो अगर आप भी अपने बालों के लिए इतने ही अमेजिंग रिजल्ट्स चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप पीछे जाके एक बार डे 1 2 3 4 चेक कर लीजिए कि मैंने क्या क्या किया है इनके बालों में और किस तरह से आप इतने अमेजिंग रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो आज है डे 5। हम अपने बालों को हाइड्रेट कर चुके हैं, न्यूट्रिशन दे चुके हैं, कंडीशनिंग कर चुके हैं, शैम्पू कर चुके हैं, रिलैक्स छोड़ चुके हैं। व्हाट नेक्स्ट? आज डे 5 पे मैं इनके बालों में एक इतना अमेजिंग सा न्यूट्रिटिव सीरम इनके बालों में लगा रही हूँ जो कि इनके बालों को अलग ही बूस्ट दे देगा, दे चुका है। मैं रिजल्ट्स देख के आ रही हूँ, अमेजिंग रिजल्ट्स गाइस, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बाल हो चुके हैं। मतलब वो जो फ्रिज था इनके बालों में वो कंप्लीटली सेटल हो चुका है यूजिंग ओनली नेचुरल रेमेडीज। आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो अगर आप अपने बालों को थोड़ा सा भी सॉफ्टन करना चाहते हैं, लस्टर उनमें लाना चाहते हैं, उनका नेचुरल ग्लॉस उनको वापस देना चाहते हैं, दिस इज द रेमेडी। व्हाट ऑल आर द इंग्रेडिएंट्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड? राइस, कोई भी राइस जो आप खाते हैं वही वाला राइस, टूटा राइस, बासमती राइस, कोई भी राइस। तो हमें चाहिए राइस, हमें चाहिए गुड़हल का फूल जिसे हम कहते हैं हिबिस्कस का फ्लावर, कोई और कलर का ले सकते हैं। देखिए, हेयर के लिए सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है रेड हिबिस्कस, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और कलर भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तीसरा हमें चाहिए हिबिस्कस की लीव्स एंड योर ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल की जगह क्या हम कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल जो आपके बालों को, जो हमारा पर्पस है यहाँ पर सॉफ्टन करना, ऑलिव ऑयल इज अमेजिंग। सो टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द सीरम, बहुत ही सिंपल है। आपको एक बोल में 2 मुट्ठी चावल लेने हैं, इनके लेंथ के लिए 2 मुट्ठी विज सफिशेंट। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चावल को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से प्लेन वाटर से वॉश कर लिया और उसके बाद इसे भीगने के लिए ओवरनाइट छोड़ दिया। अब तो डे 5 आ चुका है, आपने चावल नहीं भिगाए हुए हैं, तो आप चावल को धो के 2 से 3 घंटे के लिए भिगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 3 घंटे के बाद आप चावल को स्टर करके ये पानी अलग कर लीजिए। आपको चावल और पानी का रेशो 1:3 लेना है, यानी कि अगर आपने 1 कटोरी चावल लिया है तो आपको 3 कटोरी पानी लेना है। पानी अलग से लेने के बाद आपको मालूम है आपको क्या इन्फ्यूजन करनी है। इस पानी को आपको लो मीडियम फ्लेम पर रखना है, हाई फ्लेम पे कोई काम नहीं करना। लो मीडियम फ्लेम पर ये पानी रख के आप इसमें इन्फ्यूज कर देंगे क्या, इसमें आपको लेना है हिबिस्कस के पेटल्स, इसमें आपको लेना है लीव्स जो कि मैंने तोड़ दी हैं, और इसमें आपको डालना है ऑलिव ऑयल। मेरा फेवरेट कौन सा है? मेरे प्रोडक्ट्स बहुत सारे फेवरेट हैं, मैं आपको बहुत सारी जगह जगह पे बताती रहती हूँ विच वन इज़ द वन जो मुझे काफ़ी पसंद है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कुछ फेवरेट प्रोडक्ट्स जो रिपीटेडली आप बहुत सारी वीडियोस में पूछ रहे हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट कि मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स क्या हैं। यहाँ पर इनके बालों के लिए मैंने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ले लिया है और इसको अच्छे से स्टर कर लिया है। कब तक स्टर करना है? आप इसको 5 to 10 मिनट्स के बीच में कहीं भी आपको लग सकता है दैट इट इज़ एब्सोल्युटली रेडी, आप इसको ढक दीजिए और ढक कर आप इसको सिम कर दीजिए और पकने दीजिए फॉर 5 to 10 मिनट्स। आप बीच बीच में स्टर करके देखते रहिए, जब इसकी जो पेटल्स हैं, हिबिस्कस की जो पेटल्स हैं वो कलरलेस हो जाए, वो अपना सारा कलर उस राइस वाटर में छोड़ दे, दैट्स द टाइम यू स्विच ऑफ द फ्लेम और आप इसको छान लेंगे। छानने के बाद कुछ समय में ही ये एकदम पर्पल कलर का हो जाएगा। यू नो हिबिस्कस इज एन इंडिकेटर और बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है पर्पल कलर का। एंड इस पानी को
जो है हम सिरम बोल रहे हैं, और ये सिरम आपके बालों के लिए मैजिक है। मत मानिए मेरी बात, मैंने हमेशा बोला मेरी बात मानने की कतई आवश्यकता नहीं है, करिए, चेक करिए और फिर बताइए कैसा रिजल्ट रहा। ये जो ब्लेंड बनकर रेडी हुआ है, बिलीव मी गाइस, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। चावल का पानी इज सच अ न्यूट्रिशन फॉर योर हेयर। आप जाके मेरा राइस हेयर मास्क चेक कीजिए एंड बी सरप्राइज्ड। हिबिस्कस आपके बालों में हेयर फॉल को रोकेगा, स्प्लिटेंस को रोकेगा, ग्लॉस एंड शाइन जो आप खो चुके हैं उन्हें वापस इम्पार्ट करेगा। ऑलिव ऑयल, अगर आपको प्री मेच्योर ग्रेइंग का इशू है, दिस इज द सोल्यूशन। अगर आपके बाल बहुत ही लाइफलेस लग रहे हैं, कुछ दिनों के लिए ऑलिव ऑयल ट्राई करके देखिए और फिर देखिए कमाल कि कितने अमेजिंग आपके बाल हो जाते हैं। ये तो बात हुई इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ की, लेकिन जब आप इस ब्लेंड को रेडी करते हैं लो फ्लेम पे, ये सारी चीज़ें एक साथ आती हैं, ये जो सिरम रेडी हुआ है, दैट्स अनदर लेवल। मैंने बोला है कि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे ना, इन इंग्रेडिएंट्स को शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं सिखा सकती, मैं नहीं बता सकती, आपको ट्राई करना ही होगा। और आप फिर देखिए आपके बाल कितने ही रफ हैं, कितने ही प्रॉब्लम्स आपके बालों में हैं। ये सीरम, इसको हम सीरम बोल रहे हैं, बट बिलीव मी इट्स मैजिक। आप इसको अपने बालों में लगाइए और देखिए क्या होता है। टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन, इनके बाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या रैविशिंग बाल लग रहे हैं। I was super happy with the results. ये day 5 evening hours के बाल हैं, यानी कि आप ये लगा लीजिए कि day 4 पे शैम्पू हुआ था, पूरा दिन she was dancing and what not, she is very happy with the results. Day 5, since morning she was saying, आज क्या करना है, because she is really, you know, enjoying the journey, which is like very, very important. मैं इसीलिए कहती हूँ खुश होके सारे काम कीजिए, results तो आने ही आने हैं, लेकिन जब आप इसे कर रहे हैं उस process में खुश रहिए। तो इवनिंग आवर्स में मैंने इनके बालों में ये सिरम जो है कॉटन पैड की हेल्प से पूरे स्कैल्प में अप्लाई किया है और इनकी पूरी लेंथ पे अप्लाई किया है। इनके बालों में ऊपर की तरफ फ्रिज ज़्यादा है, क्रिम्पिंग ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से बालों को कोम किया गया है। ड्राई और डैमेज्ड हेयर की प्रॉपर्टी है कि वो इस तरीके से होते हैं, नॉट अ फॉल्ट। सो जब इसको अप्लाई किया जाएगा, अप्लाई करते हुए आपको पता चल जाएगा कि यू नो दिस इज़ मैजिक। तो मैंने जब इनकी लेंथ पे बहुत सॉफ्टली ये अप्लाई किया है, तो उसके बाद मैंने हैंड्स की हेल्प से भी बहुत ही यू नो जेंटली मसाज किया है फॉर द क्रिम्प टू सेटल डाउन। वो जो क्रिम्पिंग इनके बालों में हो रखी है, नॉर्मल केसेस में लोग इसको ट्रिम कर देते हैं, बट आप ये सारी रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं और ट्रिमिंग जैसी चीज़ से बच सकते हैं। मैंने इनकी लेंथ को अच्छे से मसाज करके एंड देन उनके बालों को एक बन फॉर्म में क्लचर से ऊपर सिक्योर कर दिया। देन वॉट? देन नथिंग, यू हैव टू लेट इट बी। मैंने अराउंड इवनिंग 5-6 o'clock इनके बालों में ये अप्लाई किया है और उसके बाद मैंने इसको रहने दिया है ओवरनाइट। अगर आपको साइनस का इशू है, बिलीव मी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको सूखने दीजिए अपने बालों में। आप जल्दी लगा लीजिए दिन में और सूखने दीजिए अपने बालों में, क्योंकि नेक्स्ट डे इज वॉट दे आर गोइंग टू बी वॉश्ड। शैम्पू हमें नहीं करना, क्या करना है आई टेल यू क्या करना है। डे 6 की रेमेडी हम डे 6 पे डिस्कस करेंगे। डे 5 इज ऑल अबाउट इम्पार्टिंग दिस ब्यूटिफुल मैजिक इन योर स्कैल्प एंड योर लेंस। आप जैसे ही ये जो सीरम है अपने स्कैल्प और बालों में लगाते हैं, लगाते हुए आपको पता चल जाएगा ये कितना अमेजिंग है। और उसके बाद जब आप इसको सूखने देंगे, वो जो ब्यूटिफुल न्यूट्रिशन है आपके स्कैल्प और बालों को यू नो एब्जॉर्ब करने का टाइम देंगे, इट इज़ गोइंग टू बी द अमेजिंग ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू हैव डन सो फार। आपने जितनी भी रेमेडीज की है, डे 5 इज गोइंग टू बी योर फेवरेट, आई प्रोमिस यू। डे 6 की रेमेडी मैं आपको डे 6 में बताऊंगी। आपको शैम्पू नहीं करना है, प्लीज़ वेट फॉर द वीडियो व्हाट नीड्स टू बी डन एंड वेरी सिंपल। आपके घर में वो चीज़ें मौजूद होंगी जो हमें करना है डे 6 पे। देयरफॉर आई एम टेलिंग यू कि आप आराम से डे 5 एंजॉय कीजिए, ये सीरम अपने बालों में लगाइए, उसे आप बालों में ही सूखने दीजिए, ओवरनाइट रहने दीजिए। क्या मेरे बाल कड़क हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, ये कोई मांड का पानी नहीं है जो बाल कड़क हो जाएंगे। नॉर्मल चावल का पानी है और हल्का सा यू नो ऑलिव ऑयल भी आया हुआ है, तो बहुत ही आपके बाल अच्छे होने वाले हैं। आपको खुद फील हो जाएगा जब वो सूखने लगेंगे, इट इज़ गोइंग टू गिव यू द ब्यूटिफुल यू नो सॉफ्टनेस एंड आप अपने बालों को टच करेंगे ना, आप बहुत खुश होने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू। सो दिस वॉज डे 5। रिजल्ट तो आपको मिलने ही हैं, कोई दो राहें नहीं है,
पर आप प्रोसेस भी इंजॉय कीजिएगा। फूल तोड़ के लाना, चावल का पानी भिगाना, ये प्रिपेयर करना। मेरे बहुत सारे ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं द एंटायर प्रोसेस विद द म्यूजिक एंड एवरीथिंग। दे आर प्रिपेयरिंग देयर सीरम। आप लोगों ने बहुत ही अलग लेवल पे ये सीरीज को ले गए हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल माई वंडरफुल सब्सक्राइबर्स। आप लोग मुझे इतना खुश कर देते हैं ना दैट आई लव टू ओपन माई इंस्टाग्राम। जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ बी देयर। आई पोस्ट माई पिक्चर्स एंड रेमेडीज एंड सो मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर। सो बी कनेक्टेड विद मी ओवर देयर इज वेल एंड लेट्स चिट चैट अ लिटिल बिट। सो बी रेडी फॉर डे 6 टुमारो एट 11। बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है, जल्दी से करेंगे और आपके बालों को एक बहुत ही सुंदर सा बाउंस दे देंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कल मिलते हैं 11 o'clock। एवरीबडी, I love you all. Thank you so much for all the love that you are showering. Stay connected and lots of love.